दोस्तों आपने एक आधार कार्ड किया है, आधार कार्ड आपका खो गया है, आपके पास कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं है, आधार नंबर भी आपके पास नहीं है, जो आधार कार्ड किया था उस टाइम जो इनरोलमेंट स्लिप भी देता है वो स्लिप भी आपके पास नहीं है, कुछ भी नहीं है, आधार कार्ड रिलेटेड कोई भी प्रूफ नहीं है आपके पास, तो आधार कार्ड कैसे आप फिर से ले पाएगा। तो आधार कार्ड आपका खो गया है, उसको रिकवर कैसे करना है, फिर से आपको आधार कार्ड कैसे मिलेगा आपको पता है, ये आपको ये जानना जरूरी है। आप एक साइबर कैप में काम कर रहे तो ये आपको जानना जरूरी है, जिसका आधार कार्ड खो गया है कुछ भी प्रूफ नहीं है तो उसका आधार कार्ड कैसे रिकवर करें ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपके पास बहुत सारा ऐसा कस्टमर भी आ सकते हैं जो मेरा आधार कार्ड खो गया है तो क्या करे, हम लोग नया आधार कार्ड कर रहे हो तो बार बार रिजेक्ट कर रहे, तो रिजेक्ट यहाँ पे डुप्लीकेट बता रहे, ऑलरेडी आधार कार्ड आपका जेनरेट हो चुका है ऐसा दिखा रहे, जो हम लोग पहले जो आधार कार्ड बनाना था वही दिखा रहे। तो ये परिस्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, नया आधार कार्ड नहीं हो रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा। दोस्तों आप एक साइबर कैब चला रहे तो इस तरह का कस्टमर आपके पास आ सके, क्योंकि यहाँ पे जिसका आधार कार्ड खो गया है अपना भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपका आधार कार्ड खो गया है, कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं है, इनरोलमेंट स्लिप भी नहीं है, तो इसी परिस्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वो लोग आधार कार्ड खो गया है तो नया बनाने के लिए कोशिश किया है, आधार इनरोलमेंट सेंटर में गया है तो उसका बार बार डुप्लीकेट फाउंड हो रहा है, यानी डुप्लीकेट आधार कार्ड बट रहे, ऑलरेडी आधार कार्ड आपका एग्जिट है, पहले से आधार कार्ड किया है, इस तरह का जो मैसेज यहाँ पे शो कर जाएगा, तो उसका जो 3 से 4 बार नया आधार कार्ड बनवाया है तो 3 से 4 बार उसका आधार कार्ड जो रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि उसका पहले से आधार कार्ड है। क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारा ऐसा कस्टमर आता है जो इस तरह का प्रॉब्लम होता है, तो शायद आपके पास भी आएगा, ठीक है। तो आपको इसी परिस्थिति में एक आधार कार्ड रिकवर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई भी एक आधार इनरोलमेंट सेंटर में चला जाना है, तो वहाँ पे जाने के बाद आपका जो आधार कार्ड है फिर से बनवाना है, सिर्फ इनरोलमेंट जेनरेट करना है, ठीक है। तो ये तो रिजेक्ट होगा ही, जो आधार कार्ड बनाए जो आधार कार्ड आप कर रहे हैं तो रिजेक्ट होगा, क्योंकि आपका पहले से एक आधार कार्ड होता है, एक इंसान का सिर्फ एक ही आधार कार्ड जेनरेट होता है, ठीक है। तो आपका जो आधार कार्ड है वो रिजेक्ट हो जाएगा, तो मेन यहाँ पे जो आपका इनरोलमेंट स्लिप है एक स्लिप देगा, उस स्लिप में आपका काम होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आधार कार्ड आप नई तरीके से कर रहे हो वो रिजेक्ट होगा। यहाँ पे रिजेक्ट किस लिए होगा, रिजेक्ट होने का कारण है यहाँ पे आपका आधार कार्ड ऑलरेडी एग्जिट है, यानी आधार का जो सर्वर है यहाँ पे आपको बता देगा, आप जो ये यहाँ पे जो थाम लगाया है इस थाम का कोई भी इस थाम का एक आधार कार्ड रजिस्टर है, तो सर्वर को पता चल जाएगा ये जो आधार कार्ड है ये ऑलरेडी एग्जिट है, तो सर्वर का पता चल जाएगा इस थैम के जरिए जो ये जो आपका आधार कार्ड है ऑलरेडी रजिस्टर है, तो वो जो डाटा जो एग्जिट है ऑलरेडी वो तो डाटा सर्वर को पता चल गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो डाटा निकालने के लिए आपको कस्टमर केयर को कॉल करना पड़ेगा, कॉल करना है और बताना है आप जो नया इनरोलमेंट स्लिप यहाँ पे जेनरेट हुआ है उस स्लिप का नंबर डेट टाइम सब कुछ जो मांग रहे हैं सब कुछ आपको दे देना है, आपका जो पुराना वाला डिटेल्स है वो आपको देगा, यानी आधार नंबर भी आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट कस्टमर केयर से आधार नंबर आपको नहीं बताएगा, सिर्फ इनरोलमेंट नंबर जो पुराना वाला आपका जो इनरोलमेंट था पुराना वाला जो आधार कार्ड किया था वो इनरोलमेंट आपको देगा। 1947 में आपको कॉल करना है और आधार नंबर भी जान सकते, वो आधार नंबर लेके आप PVC ऑर्डर भी कर सकते हैं, आधार रिपिन ऑर्डर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जो ETI का ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें भी मिल जाएगा, बहुत सारा आधार रिप्रिंट पोर्टल भी है उसमें जाके भी आप रिप्रिंट कर सकते हैं फिंगर थ्रू, ठीक है। आपका इसी परिस्थिति में फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहे तो आप ETI पोर्टल से जाके आप रिप्रिंट ऑर्डर कर सकते आधार कार्ड रीऑर्डर कर सकते। ये हो गया एक प्रोसेस, ये आपका हो गया एक प्रोसेस। दूसरा आता है यहाँ पे इससे दूसरा आता है यहाँ पे इसमें भी नहीं मिल रहे तो आपको क्या करना चाहिए, इसमें भी आपको नहीं मिल रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखो जितना भी आधार कार्ड होता है यहाँ पे एक फैमिली का एक ग्रुप होता है आधार कार्ड, ठीक है। जैसा कि मेरा एक फैमिली है, मेरा फैमिली में जितना आधार कार्ड है एक ग्रुप रहता है, तो मैं
जैसा कि आप देखा ही होगा रेशन कार्ड में भी फोन नंबर डाल के आप वेबसाइट में विजिट करेंगे तो आपका उसी नंबर में जितना भी रेशन कार्ड है वो दिखा देता है। सेम यहाँ पे भी एक ग्रुप रहता है, तो आपको क्या करना है, आपका जो फादर का जो आधार कार्ड है उस नंबर थ्रू भी आप पता कर सकते, कभी कभी ऐसा भी होता है। ये जानने के लिए आपको आधार का जो मेन ब्रांच होता है, हमारा ये आधार पे रांची में है तो मेन ब्रांच में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। तीसरा आता है आपका आधार कार्ड निकालने के लिए, आपके पास कुछ भी प्रूफ नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको देखना है आपका बैंक अकाउंट है क्या नहीं, तो आप जरूर बैंक अकाउंट ओपन किया है तो आधार नंबर से क्या है, आधार कार्ड देके क्या है, और भी ये आपको देखना है और कहाँ कहाँ पे आप आधार कार्ड यूज किया है उस सेक्टर में चली जाना है, उस सेक्टर में आपको जाना है, कहाँ पे आप यूज किया है ये आपको थोड़ा सा आइडिया कर लेना है। जैसा कि बैंक भी हो सकते हैं, क्योंकि आप खाता खुलवाया उस टाइम बैंक में भी जमा किया है आधार कार्ड, तो आपको क्या करना चाहिए, बैंक में जाना है और जो आपका खाता है वो लेके जाना है, इस खाता में जो आधार नंबर है वो हमको दे दो, वो हमारा है, मेरा जो आधार कार्ड है खो गया है, इस आधार नंबर थ्रू हम आधार कार्ड फिर से डाउनलोड करेगा, ऐसा बोल के आप उसके साथ नंबर ले सकते हैं। बैंक में भी नहीं मिल रहे तो आधार कार्ड और भी आप किस जगह में यूज़ किया है उसमें भी चले जाना है, सेम बात करना है, तो हो सके आपका जो आधार कार्ड है वो नंबर मिल जाए। नंबर मिलने के बाद आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, रिपीट भी कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों ये तीनों टाइप से आपको आधार कार्ड 100% मिल जाएगा, तो ये तीनों प्रोसेस फॉलो करो तो 100% आपका जो आधार कार्ड है वो रिकवर हो जाएगा। बस वीडियो इतना है, इस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और देखो यहाँ पे बहुत सारा वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा जो सीएससी रिलेटेड, सीएसपी रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड, आधार सेवा केंद्र कैसे ओपन किया जाता है इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा वीडियो अवेलेबल है, आप चाहे तो देख सकते। देखो यहाँ पे बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है, आप चाहे